हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है न्यूटन्स रिंग्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ लाइट। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स रिंग्स ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूटन्स रिंग्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग पे ही हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हमने रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए न्यूटन्स रिंग डिस्कस किया था। मैं सेम डायग्राम को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। उस टाइम हमने इन ट्रांसमिटेड लाइट्स को ब्लॉक कर दिया था इस ग्लास प्लेट को डार्क पेंट करके, लेकिन इस केस में हम ट्रांसमिटेड लाइट को ही मेज़र करेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट्स को मेज़र नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं कि जो ट्रांसमिटेड लाइट हमारी फर्स्ट ट्रांसमिटेड लाइट डायरेक्ट इस बी प्राइम पॉइंट से हमें मिली, एंड सेकेंड ट्रांसमिटेड लाइट हमें कैसे मिली, बी प्राइम पॉइंट से एक रिफ्लेक्शन हुआ, अगेन ई पॉइंट से रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर जो लाइट ट्रांसमिट हुई वो हमें टी प्राइम की फॉर्म में मिली है। तो इन दोनों ट्रांसमिटेड लाइट की ओवरलैपिंग की वजह से जो इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा वो हमारा न्यूटन्स रिंग्स ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें इन दो ट्रांसमिटेड रेज के बीच का पाथ डिफरेंस चाहिए। दोनों ट्रांसमिटेड रेज के बीच का हमारा जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वो हमारा कितना आता है, दैट इज़ 2μt कोसाइन ऑफ आर। ये सेम हमारा पाथ डिफरेंस है जो कि हम थिन फिल्म के लिए या वेस्ट शेप फिल्म के लिए भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक फैक्टर है लैम्डा बाई टू जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, बट क्या वो पार्ट डिफरेंस हमारा ट्रांसमिटेड लाइट के लिए इंट्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा बाई टू का जो पार्ट डिफरेंस है वो इंट्रोड्यूस होता है रिफ्लेक्टेड लाइट में, क्योंकि हमारी एक लाइट है वो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है और सेकेंड रे है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है। तो इसलिए हमारा स्टोक्स थ्योरम वहाँ पे आ जाती है, और स्टोक्स थ्योरम की वजह से लैम्डा बाई टू का पार्ट डिफरेंस हमें ऐड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब ट्रांसमिटेड लाइट की हम बात कर रहे हैं तो बी प्राइम पॉइंट से फर्स्ट हमें ट्रांसमिटेड लाइट मिली एज इट इज़, जिसमें कि कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं था, बट जो टी प्राइम लाइट है वो हमें रिफ्लेक्शन के बाद मिली। बट यहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन है हमारा बी पॉइंट पे, जो कि कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस ग्लास प्लेट से। ये नीचे हमारे पास ग्लास प्लेट है, तो ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्शन हुआ, मीन्स एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो चुका है। और सेकंड रिफ्लेक्शन हमारा हो रहा है इस ई पॉइंट से, और ये ई पॉइंट कहाँ पे है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के सरफेस पे। तो यहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, डबल रिफ्लेक्शन हुआ, और दोनों रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हो रहे हैं। इसकी वजह से जो पाई का फेज डिफरेंस या फिर लैम्डा बाई टू का पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होना था वो इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्शन हुआ पाई का फेज डिफरेंस, फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से पाई का फेज डिफरेंस, टोटल फेज डिफरेंस हो गया 2π या 0। सिमिलरली पार्ट डिफरेंस जो लैम्डा बाई टू था वो भी कैंसिल आउट हो चुका है। तो ट्रांसमिटेड रेज के केस में हमारे पास जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है वो ओनली ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस के इक्वल ही रहेगा। सो लैम्डा इज 2μt कोसाइन ऑफ आर। अब हम अगर इंसिडेंट नॉर्मल लेके चल रहे हैं तो उस केस में कोस आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड हमारा पार्ट डिफरेंस डेल्टा हो जाएगा 2μt। पार्ट डिफरेंस हमारे पास आ गया है। अब इंटरफ्रेंस की जो जनरल हमारी ब्राइट रिंग के लिए कंडीशन है, ब्राइट रिंग के लिए कंडीशन क्या है कि पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, सो 2μt इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब ये जो रिंग के डायमीटर का रिलेशन है ये ऑलरेडी हम अपने रिफ्लेक्टेड लाइट वाले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने ये रिलेशन यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ किया है। डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग का स्क्वायर डिवाइड बाई 4R इक्वल्स टू 2t। इस रिलेशन को जब इस ब्राइट रिंग के रिलेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें ब्राइट रिंग का डायमीटर मिल जाएगा, और हमारा ब्राइट रिंग का डायमीटर कितना आएगा, dn इक्वल्स टू 2 ऑफ स्क्वायर रूट r एंड लैम्डा बाई म्यू। दिस इज डायमीटर ऑफ ब्राइट न्यूटन रिंग। अब इसमें n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ब्राइट रिंग्स हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले d0 आ रहा है हमारा, d1 ट्वाइस ऑफ r लैम्डा बाई म्यू आ रहा है, d2 ट्वाइस ऑफ 2 r लैम्डा बाई म्यू आ रहा है, d3 ट्वाइस ऑफ 3 r लैम्डा बाई म्यू आ रहा है, एंड सो ऑन।
इनका बीच का हम सेपरेशन भी देख सकते हैं। जो रिंग्स हैं हमारी ब्राइट रिंग्स, उनका सक्सेसिव रिंग्स का सेपरेशन अगर हम देखें तो D1 - D0 हमारे पास है ट्वाइस ऑफ आर लैम्डा बाई म्यू, D2 - D1 हमारे पास है ट्वाइस ऑफ आर लैम्डा बाई म्यू। अंदर हमारे पास क्या, यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। इसी टाइप से हम D3 - D2 कर सकते हैं, D4 - D3 कर सकते हैं। जैसे कि हमने रिफ्लेक्टेड लाइट में देखा था, सक्सेसिव जो ब्राइट रिंग्स हैं उनके बीच का सेपरेशन डिक्रीज करता जाता है जैसे जैसे हम इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से दूर होते जाते हैं। सेम वैसे ही हमारी ट्रांसमिटेड लाइट के लिए भी सक्सेसिव रिंग्स का जो सेपरेशन है वो रिड्यूस हो रहा है जैसे जैसे हम इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से दूर जा रहे हैं। अब हम डार्क रिंग्स का केस स्टडी करते हैं। डार्क रिंग्स के केस में अगेन पार्ट डिफरेंस हमारा ये सेम रहेगा और ये पार्ट डिफरेंस हमारा किसके इक्वल होगा, डार्क रिंग्स के लिए हमारी इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। सो दिस इज 2μt इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2। अब यहाँ पे इस थर्ड इक्वेशन को अगेन हम इस सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास डायमीटर ऑफ डार्क रिंग आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर 2n + 1 लैम्डा बाय 2μ। एंड इसमें जब इनके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डार्क रिंग्स के डायमीटर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक बात देखते हैं कि जो ब्राइट रिंग है उसमें जीरोथ ब्राइट रिंग का डायमीटर जीरो है बट जीरो डार्क रिंग का डायमीटर कुछ फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है जहाँ पे रिंग बननी है विद जीरो डायमीटर वो रिंग हमारी ब्राइट रिंग बनेगी। ऐसा हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट में नहीं था। रिफ्लेक्टेड लाइट का केस जब हमने डिस्कस किया था तो सेंटर पे हमारी डार्क रिंग बन रही थी लेकिन ट्रांसमिटेड लाइट के लिए सेंटर पे हमारी ब्राइट रिंग बनेगी। उसके बाद हम देख सकते हैं इन डायमीटर्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करके D0 के ब्राइट रिंग के बाद हमारी D0 डार्क रिंग बनेगी, उसके बाद हमारी D1 ब्राइट रिंग बनेगी, फिर हमारी D1 डार्क रिंग बनेगी। इसका मतलब है इन वैल्यूज से हम देख सकते हैं ऑल्टरनेटिवली हमारी सबसे पहले ब्राइट रिंग फिर डार्क रिंग फिर ब्राइट रिंग फिर डार्क रिंग, इस टाइप से हमारी ये रिंग्स बनती चली जाएंगी। डार्क रिंग के लिए भी अगर हम सेपरेशन देखना चाहें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो सक्सेसिव रिंग्स हैं उनके बीच का सेपरेशन D1 - D0 दिस इज ग्रेटर देन D2 - D1 दिस इज ग्रेटर देन D3 - D2 एंड सो ऑन। मतलब जो सक्सेसिव दो डार्क रिंग्स हैं उनके बीच का सेपरेशन भी रिड्यूस होता जा रहा है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट दोनों के लिए जब न्यूटन्स रिंग हमने स्टडी की तो हमने देखा कि एक पॉइंट यहाँ पे कॉमन है कि जैसे जैसे रिंग्स हमारी कॉन्टेक्ट पॉइंट से दूर जाती जाती हैं रिंग्स के बीच का सेपरेशन रिड्यूस करता जाता है, मीन्स रिंग्स हमारी नैरो बनती चली जाती हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है, वो क्या है कि ट्रांसमिटेड लाइट में हमारी सेंट्रल रिंग है वो कैसी बन रही है, ब्राइट बन रही है, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट में सेंट्रल रिंग हमारी डार्क बन रही है। तो यहाँ पे ब्राइट, उसके बाद नेक्स्ट रिंग डार्क है, उसके बाद नेक्स्ट रिंग ब्राइट है, बट यहाँ पे दिस इज़ फॉर ट्रांसमिटेड लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए सेंटर पे डार्क, उसके बाद ब्राइट, उसके बाद डार्क। तो हम देख सकते हैं ट्रांसमिटेड लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट का जो पैटर्न हमें मिलेगा न्यूटन्स रिंग का वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री पैटर्न होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूटन्स रिंग्स ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगी कि हमने अभी तक जो न्यूटन्स रिंग्स फॉर ट्रांसमिटेड लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट स्टडी किया है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अगर इस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की जगह वाइट लाइट होती तो क्या होता। वाइट लाइट है तो हमें पता है कि वाइट लाइट में हमारे पास 7 कलर्स होते हैं और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो न्यूटन्स रिंग्स हमारी बन रही हैं इनके डायमीटर डिपेंड कर रहे हैं लैम्डा के ऊपर। अब डायमीटर अगर लैम्डा डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स हमें यहाँ पे ऑब्टेन होंगी। इनिशियली जैसे जैसे हम कॉन्टेक्ट पॉइंट के नियर बाय होंगे उस टाइम हमें फाइन रिंग्स मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ वाइट लाइट ऑल्सो, बिकॉज
सेंटर के पास हमारी जो न्यूट्रल्स रिंग्स हैं वो वेल सेपरेटेड हैं, उनके बीच में डिस्टेंस हमारा सफिशेंट लार्ज है, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाते हैं रिंग्स के बीच का सेपरेशन रिड्यूस होता जाता है, चाहे फिर हम ब्राइट रिंग्स की बात करें चाहे फिर हम डार्क रिंग की बात करें। तो इसका मतलब है सेपरेशन रिड्यूस हो रहा है। सेपरेशन रिड्यूस होने के साथ साथ जो हमारी 7 कलर्स की रिंग्स हैं उनकी ओवरलैपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर हमारी रिंग्स ओवरलैप कर रही हैं तो हमें न्यूटन्स रिंग्स अपीयर नहीं होंगी, न्यूटन्स रिंग पैटर्न हमें नहीं दिखेगा, दिखना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेते हैं तो हम कॉन्टेक्ट पॉइंट से काफ़ी दूर तक न्यूटन्स रिंग्स पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट जब हम वाइट लाइट की बात करेंगे तो उस टाइम हमारा एक फाइन पैटर्न हमें सिर्फ इस कॉन्टेक्ट पॉइंट के नियर बाय ही मिलेगा, इससे अगर हम दूर जाते जाएंगे तो ये पैटर्न हमारा डिसअपीयर होता चला जाएगा। So this is all about Newton's rings with the help of transmitted light or reflected light. I hope आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।